नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र। न्यूज़ की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कर्तव्य का निर्वहन करते प्राणों की आहुति देने वाले अमर पुलिस जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। ICICI बैंक में सहायक प्रबंधक ने किया लाखों का घोटाला। लोन धारकों की जमा पूंजी ले दिया फर्जी एनओसी। मुस्कान अभियान में मिले 47 गुमशुदा मोबाइल, पुलिस अधीक्षक ने फरियादों को बुला सौंपा। अब खबर विस्तार से। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों को 21 अक्टूबर को 9वीं बटालियन के SF ग्राउंड में रीवा में पुलिस के अमर शहीदों को याद करते हुए शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पुलिस की एक टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसकी सलामी रीवा जोन के IG उमेश जोगा द्वारा ली गई। इस दौरान शहीद को याद कर लास्ट पोस्ट की धुन बजाते हुए राइफल उल्टा कर सैनिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही IG द्वारा शहीद स्मारक पहुँच पुष्प चक्र अर्पित किया गया। हम बता दें कि आज से 59 वर्ष पहले 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में CRPF की टुकड़ी, जिसमें कि एक उपनिरीक्षक एवं 10 पुलिस कर्मियों के बलिदान को याद किया जाता, जिन्होंने 1959 में चीन के लगने वाली भारतीय सीमा सुरक्षा में जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों के निछावर किए थे। इस कार्यक्रम में रीवा के सभी वरिष्ठ अधिकारी सहित पूर्व DGP शिवमोहन सिंह, DIG अनिल सिंह कुशवाहा, SP रीवा राकेश कुमार सिंह, SP PTS वाष्णेव शर्मा, एडिशनल SP सुकुमार वर्मा, CSP सच्चिदानंद प्रसाद सहित कमांडेंट मधु राजेश तिवारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत कार्यक्रम के झलकी एवं रीवा पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा से जानकारी के अनुसार। पुलिस विभाग अपने साथियों के बलिदान को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मानता है। 21 अक्टूबर का दिन ऐसा समस्त वीर पुलिस जवानों की याद में एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया जाता है, ताकि ये देश तथा ये समाज उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर सके तथा उनके निस्वार्थ जीवनदान के प्रति अपने कृतज्ञता अर्पित कर सके। 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए 16,000 फीट की ऊंचाई पर भीषण सर्दी और दुर्गम परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देते हुए CRPF के एक उपनिरीक्षक तथा 10 जवान चीनी हमलावरों से जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस वीर पुलिस जवानों की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। सर, यह शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को और हर वर्ष हम लोग पुलिस कर्मचारी जो देश की सेवा में शहीद हुए हैं उनकी सूची यहाँ पर पढ़ के उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इसमें न केवल पुलिस वाले, सभी गणमान्य नागरिक और रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी भी ताकि इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ये सूची एक सितंबर 2019 से लेके और 31 अगस्त 2020 के बीच में जितने भी कर्मचारियों ने देश के लिए अपना जान बलिदान किया है उनको याद किया जाता है। निजी बैंक कर्मचारी द्वारा ग्राहकों से की गई धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया, जिसमें ग्राहक द्वारा लोन की राशि अदा कर NOC प्राप्त की। वहीं लोन अदायगी के बाद भी भोपाल एवं पुणे हेड ऑफिस से लोन चुकता करने में मैसेज आया, जिसके बाद पीड़ित राजन वर्मा जब बैंक पहुंचे जानकारी ली तो उनके साथ हुए फर्जीवाड़े जानकारी मिली, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई, जिसके संज्ञान में लेते हुए
पुलिस अधीक्षक ने FIR के निर्देश दिए। सिविल लाइन थाना कुदिया इस घटना के बाद फर्जीवाड़े की परत दर परत करने लगी और सिविल लाइन पुलिस द्वारा सिविल लाइन थाना अंतर्गत जय स्तंभ में संचालित ICICI बैंक के असिस्टेंट मैनेजर राजेश यादव सहित सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही। वहीं पीड़ित राजन मुर्मू द्वारा की गई शिकायत के बाद आज एक अन्य पीड़ित पूर्व सैनिक प्रभा शंकर भी बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन के लिए लोन लिया था, जिसे बंद कराने अपनी पूरी जमा पूंजी 10,68,000 चुकता कर दी। लेकिन आज जब जाकर उन्होंने पता किया तो मामला सामने आया कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है और उनकी भी राशि गोलमोल कर दी गई है। प्रस्तुत है पीड़ित राजन वर्मा, प्रभा शंकर एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। मेरा ICICI बैंक में खाता है करंट का, और जो जय स्तंभ के पास बैंक है। मेरी गाड़ी टाटा सफारी मैंने लिया था, बैंक से फाइनेंस कराया था, फाइनेंस 5 साल के लिए थी। तो उसको बीच में मैंने सोचा कि इसको क्लोज करा दें, अनसेसरी मेरा ब्याज लगता। तो जब मैं वहाँ बैंक मैनेजर से मिला तो बोले कि राजेश यादव यहाँ का फाइनेंस देखते। मैंने उनसे मिला, उन्होंने कहा कि आपका सर 7.5 लाख के करीब बनेगा पैसा। हमने कहा ठीक है, हमसे पैसा ले लिया जाए, मेरी गाड़ी को क्लोज कर दिया जाए। इन्होंने मुझसे 7,60,000 रुपये लिया। उसके बोले बाद बोले कि आपका 10 दिन 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा, गाड़ी क्लोज हो जाएगी। इस बीच में इनसे निरंतर बात करता रहा कि मेरा क्लोज करा दीजिए सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, कहीं हो जाएगा। मुझे विश्वास में ले लिया इन्होंने। मेरे बैंक के खाते में लिमिट थी 6 लाख रुपए की, तो इन्होंने राजेश यादव ने कहा कि सर आप लिमिट का इस्तेमाल करते नहीं हैं, अनसेसरी आपका 12,000 रुपये साल का लगता है, लिमिट क्लोज कर दीजिए। हमने कहा क्लोज कर दो, तो इन्होंने लिमिट क्लोज के नाम पे हमारे पास आए, बोले कि आपका 7 लाख के लगभग लिमिट बढ़ गई है, अब आप हमको चेक दे दीजिए, 7,55,000 का मुझसे ये चेक लिए, और बोले कि मैं आपका लिमिट क्लोज कर दूंगा। हम फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे खाते में पैसा कटा गाड़ी की किस्त का, तो मैं इनसे बात किया कि मेरे क्यों किस्त कट रही है, जब मैंने पूरा क्लोज करा दिया। कह नहीं सर, मैं आपको ला के NOC दे देता हूँ गाड़ी की, वो आपको गलत मैसेज आ रहा है। इस बीच पुणे से हेड ऑफिस मुंबई से वहाँ के कर्मचारी मुझे फ़ोन किए कि आपकी गाड़ी की किस्त बाकी है। हमने कहा कि मुझे तो NOC दे दी गई है और आप कहते हैं कि मेरी गाड़ी की किस्त बाकी है। और जब मैं बैंक गया, तो जब मैं बैंक जाता हूँ तो मुझसे ये बोला जाता है कि हमने कहा कि भाई हमारा जो भी स्टेटमेंट है निकाल के दीजिए आप लोग, तो हमको ये बता देते हैं कि अभी सर्वर डाउन है। फिर हमने कहा कि जब मैनेजर से मिले तो मैनेजर बोलते हैं कि वो फर्जी कॉल आते हैं, आप उनको डांट दीजिएगा। तो ये टोटल हमारे साथ फ्रॉडगिरी करते रहेगा। बैंक के स्टाफ से जब मैं बात करूं, वो गोल मटोल हमको जवाब देते थे। मेरा नाम प्रभा शंकर शर्मा है, मैंने लोन लिया था प्रॉपर्टी के लिए, प्लाट लेने के लिए, और मैं रिटायर होकर जुलाई में आया, मैं आर्मी में था, और मैं सोचा कि चलो अपना जो भी लोन है उसको चुकता करते हैं। मैं ICICI बैंक में गया, वहाँ लोन अकाउंट जो देखते हैं राजेश यादव, उनसे मिला, उन्होंने बताया आप 10,68,500 रुपये जमा करो, आपका लोन क्लोज हो जाएगा। मैंने चेक और वो जो पर्ची है वो भर के दिया, अपना लोन अकाउंट लिखा उसमें जो मेरे पास है अभी यहाँ पे, और जमा करने के बाद 20 जुलाई को मैंने जमा किया था। जब नेक्स्ट मंथ अगले किस्त कटी तो मैं उनके पास गया और जाके उनको बोला कि ये मेरी किस्त क्यों कट रही है, जब अगर मैंने पैसे जमा कर दिए हैं तो। उन्होंने बोला कि सर ये अभी क्लोज हो जाएगा, थोड़ा ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये वो ऐसे बहाने कई बनाए। लेकिन जब मैं एकदम पीछे पड़ गया तो मुझे एक नकली NOC या वो करके दिया, और बाद में जब मैंने अपना लोन अकाउंट चेक किया और पता किया कि इसमें मेरा क्लोज ही नहीं हुआ है, अकाउंट क्लोज ही नहीं हुआ, पैसे जिस कितने से हैं उतने ही कट रहा है। मैं सोचा कि ICICI बैंक एक भरोसेमंद बैंक है और ऐसा नहीं करेंगे, इस चक्कर में मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं किया। लेकिन अब मुझे पता चला कि इतना घटिया एडमिनिस्ट्रेशन और इतना फ्रॉड बंदे उसमें काम करते हैं, और जो मेरी जमा पूंजी थी रिटायरमेंट की वो सब खा गए। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आगे क्या करूँ, अब मैं इसीलिए परेशान हूँ। अब यहाँ पे आया हूँ, मैं SP साहब से मिला हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मिले और वो FIR दे चुके। पहली बार हुआ है कि ICICI बैंक के असिस्टेंट मैनेजर खिलाफ एक गंभीर शिकायत आई। एक उपभोक्ता जो कि जिसका खाता भी था उस बैंक में, उसका लोन भी था, और लोन का उसने पूरी राशि जमा की और दिया, और उसने जो जिस असिस्टेंट मैनेजर को दिया वो उसके अकाउंट में या उसके लोन को
कटाने के बजाय वो अपने पास पर्सनल रख लिया और उसके पैसे जब कटने तरह तरह के मैसेज आने शुरू हुए, तरह तरह की खबरें आने शुरू हुई कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उसने वो तत्काल जो है पुलिस से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसके आवेदन पर विचार किया गया, गहन जाँच की गई। जाँच में हमारे एडिशनल एसपी साहब भी इन्वॉल्व हुए और थाना प्रभारी अमैया भी इन्वॉल्व हुए और जाँच में पाया गया कि उसके साथ वास्तव में धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि घटनास्थल थाना सिविल लाइन्स का था, तत्काल थाना सिविल लाइन्स में उसके खिलाफ मामला कायम कराया गया। करीब 9 लाख का बता रहे हैं कि मामला है। अब जो लोग नए लोग आ रहे हैं उनको उनके प्रकरण में अलग से कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल रीवा द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम मोबाइल की तलाश कर आज आवेदकों को प्रदान किया गया। रीवा के विभिन्न थानों में लगातार मोबाइल घूमने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के नेतृत्व में एवं साइबर सेल थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पटेल, उप निरीक्षक गौरव मिश्रा व उनकी टीम द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत विशेष अभियान चलाकर गुमे हुए मोबाइलों को पता कर 42 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए है। इन सभी मोबाइलों को संबंधित फरियादों को बुलाकर रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा बांटा गया। प्रस्तुत है जल की एवं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। सर, आज चोरी मोबाइल का खुलासा किया गया, कुल कितने मोबाइल हैं, किस तरीके से? बेसिकली जो है मोबाइल एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है जो गुम जाने से आदमी करीब करीब असहाय टाइप का हो जाता है, क्योंकि ढेर सारे मोबाइल नंबर होने के कारण मोबाइल नंबरों को याद करने की प्रथा परम्परा नहीं रह गई, क्योंकि एक जमाना था वो नंबर याद करते थे, इसके अलावा ढेर सारे पर्सनल डाटा लोग रखने लगे हैं। ऐसे मोबाइल गायब हो जाना, चोरी हो जाना, ये सब बड़ा गंभीर विषय रहता है। लेकिन नो डाउट हमारी साइबर सेल के चाहे वीरेंद्र सिंह हों, वीरेंद्र हों चाहे गौरव हों, लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ मिला, जिस टीम के साथ मिलकर जिसमें मानेंद्र शर्मा, कृष्णकांत, सुभाष चंद्र, वरुणेंद्र वगैरह सभी ने मिलकर ऑपरेशन मुस्कान के तहत दूसरी बार इन्होंने इतना बड़ी संख्या में वितरित कराया था। पिछले महीने इन्होंने काफ़ी संख्या में वितरित कराया था, उसके बाद अभी 42 मोबाइल ट्रेस किया था। और मैं सभी से उपयोग करूँगा कि मोबाइल कैसे भी जाता हो तत्काल खबर करें, हमारी साइबर सेल उसको ढूंढ के देगी और तलाश के देगी, और इसमें जो है सहज ही जो ये पकड़ेंगे तत्काल बिना किन्हीं कानूनी औपचारिकताओं के उनको मोबाइल दे दिया जाएगा। और लगभग 6 लाख का मोबाइल आज हमने रिकवर करके उसमें से तमाम मोबाइल उनके ओनर्स को वितरित कर दिया, जो बचे मोबाइल हैं उनको उनके ओनर तक पहुँचा दिया जाएगा। सर, लगभग कितने मोबाइल वितरित किए गए? टोटल 42 मोबाइल हमने जब हमारी टीम ने ट्रेस करके रिकवर किया है, और जिसमें से लगभग 30 मोबाइल उनके ओनर को पहुँचा दिया। सर, कुछ आरोपी भी पकड़े गए हैं क्या? नहीं, बेसिकली जो है साइबर सेल जो है उन मोबाइलों को ट्रेस करता है जिनके घूमने की रिपोर्ट होती है। कई लोग जो है आते हैं और घूमने की रिपोर्ट करते हैं और हमने उस घूमने का आधार पर हम बरामद करते हैं। जो चोरी की रिपोर्ट करते हैं वो थाने के जरिए कोर्ट के जरिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो घूमने की रिपोर्ट होती है उनको साइबर सेल ढूंढ कर देती है। उनको जो वो जो थाने वाले हैं वो ट्रेस करके थाने को बता देते हैं कि आपका मोबाइल नंबर पर्टिकुलर व्यक्ति, इस नंबर का व्यक्ति जिसका पता ये है वो यूज कर रहा है। ये लोग पकड़ के उन चोरी के मामलों में, लूट के मामलों में दे देते हैं, और इस तरह से तमाम चोरी और लूट के मामले भी डिटेक्ट हो रहे हैं। एनसीसी के विंग कमांडर आज रीवा पहुंच रीवा के 3MP बटालियन कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां पर एनसीसी कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही विंग कमांडर SS बक्सी द्वारा अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर कैडेटों से जानकारी ली एवं चर्चा के दौरान रीवा यूनिट के कमान अधिकारी कर्नल अनुराग महारा द्वारा साल भर में NCC द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी एवं आने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया गया। इस दौरान ग्रुप विंग कमांडर SS बक्सी ने पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे रीवा आने का अवसर मिला। साथ ही यह भी कहा कि रीवा की 3MP बटालियन NCC की प्रदेश की सबसे पुरानी बटालियन है, जिसमें कि रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली के 4010 कैडेट हैं। प्रस्तुत है जल की एवं विंग कमांडर SS बक्सी से जानकारी के अनुसार। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज रीवा NCC की यूनिट्स का इंस्पेक्शन करने आया हूँ। मेरा पहला विजिट है ये, और मुझे बहुत खुशी है कि रीवा, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा एरिया है हमारा, और ये जो 3MP बटालियन में मैं आया हुआ हूँ, इसके अंडर 4 डिस्ट्रिक्ट, सिद्धि, संगरौली, सतना, रीवा, इसमें 4,110 कैडेट्स, 53 स्कूल्स और कॉलेजेस कवर करते हुए ये NCC बटालियन अपना काम बहुत खूबी से कर रही है।
और आप लोग को ये जान के भी खुशी होगी कि ये वाली जो बटालियन है ये मध्य प्रदेश की और हो सकता है पूरे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी रेज्ड एनसीसी बटालियन है। 1949 की ये रेज बटालियन है। मेरे हिसाब से यह शायद पूरी कंट्री की ओल्डेस्ट बटालियन होगी, सबसे पुरानी बटालियन होगी। और यहाँ के मैं जो कैडेट्स का उत्साह देखा है मैंने ट्रेनिंग एक्टिविटी में, एनरोलमेंट में और कैंप्स में, उससे बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि बाकी और जो कॉलेजेस हैं जिनमें एनसीसी नहीं है वो भी अपना प्रस्ताव लाएं और कम से कम हम उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे या फिर वो अगर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम से एनसीसी शुरू कराना चाहते हैं उसको हम किसी भी समय इस चीज़ को शुरू करा सकते हैं। और मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि एनसीसी को बढ़ावा दें, इसको सपोर्ट करें और ख़ासकर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की रीवा की और मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट, उनसे दरख्वास्त है कि एनसीसी को पूरा सपोर्ट दें जिस भी तरह से कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ का स्टाफ की पोस्टिंग है या यहाँ के फंड्स हैं या यहाँ की जो पीडब्ल्यूडी की सपोर्ट है, अपना सहयोग देंगे तो हम ये ट्रेनिंग जो एनसीसी कैडेट्स की, जो कि फ्यूचर है हमारा देश का, ये बच्चे जो हैं ये फ्यूचर हैं, अगले 10 साल में इन्होंने ही लीडर बनना है, आगे जाके इनका बेस अच्छा बनेगा, इनकी परवरिश अच्छी होगी और ये दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि एनसीसी में आकर अपना योगदान करें। सर, देश में फैली कोरोना महामारी के दौरान पुलिस और डॉक्टर ने अहम भूमिका निभाई थी, इसमें एनसीसी विंग का क्या रोल था? एनसीसी विंग का ये योगदान है कि ये तो बीमारी पूरे देश में है और इससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं अभी और कोई इसका भी फिलहाल अंत बहुत जल्द शीघ्र अंत तो नहीं नज़र आता है, लेकिन जहाँ तक एनसीसी का सवाल है रीवा में भी और बाकी मेरे जो बाकी ग्रुप हैं यहाँ पर सागर में, छतरपुर में, कटनी में, इन सब में हमने कम से कम 3 या 4 बार अलग अलग अभियान किए हैं कोरोना से बचाव करना, कोरोना के ऊपर अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए और कैसी सोसाइटी में हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और अपने आप को बचाव रखना है, यही एक तरीका है कोरोना का और इसके अलावा कोरोना का कोई इलाज नहीं है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र संचालित सेवा सहकारी समिति बंधवा कोठार में पदस्थ सेल्समैन सत्येंद्र द्विवेदी द्वारा समूह संचालक की आड़ में गरीबों को खाद्यान्न ट्रैक्टर में लोड करा बंधवा निवासी रामलल्लू पटेल के घर पर खड़ा था। जिसे ही इस खाद्यान्न की जानकारी ग्रामीणों को मिली, ग्रामीण मौके पर पहुंच पुलिस को सूचित किया, जिस पर थाना प्रभारी मनोज गौतम अपने स्टाफ के साथ तत्काल पहुँच ट्रैक्टर में लदा शासकीय खाद्यान्न के 50 बोरी गेहूँ जब्त कर विवेचना कर रहे हैं। प्रस्तुत ग्रामीणों से थाना प्रभारी मनोज गौतम से जानकारी के अनुसार। राकेश सिंह कहाँ से आए? बधवा कोठार। क्या हो गया, मामला क्या है खाद्यान्न का? ये हमारे यहाँ का बधवा कोठार खाद्यान्न, ये जो सत्येंद्र द्विवेदी हैं ये अंगूठा लगवा लेते थे और पर्ची भी नहीं निकालते थे और 3-4 माह से दिए भी नहीं हैं। कितने क्या नहीं दिए? खाद्यान्न नहीं दिए, जो देते थे तो सड़ा गला देते थे, अच्छा जो रहता था उसको सेल कर देते थे। तो ये कैसे पकड़ा आप लोगों ने? ये हम घूमने जा रहे थे तो वो टाली में लदा हुआ था, फिर हमने पूछा ये कहाँ का गल्ला है, कैसा है, वो बोले मेरे को नहीं मालूम है। मैं फोन करके ग्रामीणों को बुलाया, रंगे हाथ पकड़ा गया ट्रैक्टर सहित। फिर क्या किया आप? फिर क्या किया, फिर इसको ले करके पुलिस स्टेशन हम लोग आ गए, पुलिस बुला के। हाँ, कितने क्विंटल गेहूँ है ये? 52 बोरी है लगभग। लगभग 52 बोरी है? 52 बोरी। 50 बोरी। नाम क्या है? राजन प्रसाद पटेल। कहाँ के हैं? बंधवा कोठार। ये गैल जो खाद्यान्न है किसे पकड़ा गया? ये सर ट्रैक्टर में लदा जो है रामलल्लू पटेल के घर में खड़ा था। हाँ। और ये उतर रहा था, अंदर रख रहे थे। हाँ। तभी हमारे गांव के कुछ लोग गए, हम तो नहीं थे साहब, बाद में हम आए तो हमको सूचना मिली तो हम भी वहाँ पहुँच गए। हाँ। और फिर पुलिस को सूचना दिए और पुलिस पहुँची साहब, वहाँ से ट्रैक्टर सहित जो है खाद्यान्न सहित थाने में ले आए। जी, खाद्यान्न मिलता था? खाद्यान्न तो साहब मिलता था, लेकिन जो पब्लिक को जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा साहब ये दिया गया फ्री वाला 3 महीने का मिला है, बाकी इनसे अंगूठा लगवा लेते थे, दिया नहीं जाता था। जी, सेल्समैन कौन? सत्येंद्र द्विवेदी। पता चला है कि शासकीय खाद्यान्न ट्रैक्टर में लोड था जो पकड़ा गया है आपके द्वारा, इस संबंध में क्या? 100 डाल में सूचना आई थी हमारे यहाँ, तो ये सूचना दिया गया था बलवा भाई वाट के यहाँ पे गाँव के द्वारा कि इनमें कोई पटेल है
रामबाबू पटेल, ये सहकारी समिति में काम करते हैं और ये बंटवारा करते थे उसका। तो उस दौरान ये बताया गया कि उनके द्वारा जो ये खाद्यान्न लिए लेकर जा रहे थे ट्रैक्टर में, ये उससे सीमा से अधिक और मतलब इनके ऊपर ये लगाया जा रहा आरोप कि इसका सही तरीके से वितरण नहीं हो रहा है। इस संबंध में जांच के लिए ले आए हैं, इसकी जांच के लिए बता दिया है पुलिस के साथ को और संबंधित की जांच करके। समान थाना पुलिस द्वारा विगत दिवस मुख्य वीर से मिली सूचना के बाद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन व सीएसपी सच्चिदानंद प्रसाद के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता के साथ पीके स्कूल के पास संचालित रुचि मेडिकल के बने किराए के गोदाम में दबिश दे अवैध रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप, नशीली टेबलेट एवं कैप्सूल जब्त किया। इस दौरान 924 सीसी सिरप, 85 डिब्बे अल्प्राजुलम सहित अन्य प्रतिबंधित दवाएं भी जब्त की। प्रस्तुत है जल की एवं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश। आपको बता दें कि उज्जैन में घटित घटना के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से आदेश हुए थे कि दवा दुकानों पर स्प्रिट आदि का जो प्रचलन बढ़ रहा है उसको चेक किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में हमारे द्वारा तमाम कस्बों में और ज़िले में जगह जगह स्प्रिट और अन्य नशीली पदार्थों के चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें सिविल लाइन थाना अंतर्गत मेडिकल स्टोर को सीज किया गया, जहां अल्फा जोलम वगैरह की काफ़ी गोलियां मिली हैं। इसके अलावा समान थाने में लगभग 7 या 8 पेटी कोरेक्स मिलने की जानकारी थाना प्रभारी द्वारा दी गई है, और जहां से जिस दुकान के गोडाउन से कोरेक्स मिली है उस दुकान के खिलाफ हमारे पास मीडिया के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, मुखबिरों के थ्रू लगातार जानकारी मिल रही थी, वह आम आदमियों में कोरेक्स बेचने का कार्य कर रहा है और इस तारतम्य में बहुत अच्छी सफलता है हमारे समान थाना की। इसके अलावा देर रात पिछली बीती गई रात में जो है 57 सीसी कोरेक्स पकड़ने का एक निगरानी बदमाश से सफलता जो है थाना प्रभारी अमहिया को मिली है। इसके अलावा 2 आरोपी और कोरेक्स की 3 पेटी और 1 स्कूटी के साथ पकड़े गए हैं थाना सुहागी में, जो यूपी से ला रहे थे और यहाँ नई गाड़ी का एक आदमी उनके साथ मिला है, तो इसलिए 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो हमारा कोरेक्स के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जो रीवा के 10 साल से लेकर 30 साल तक की पीढ़ी को बचाने का भी एक अभियान है, वो निरंतर जारी रहेगा और कोरेक्स के किसी भी व्यवसायी को, चाहे किसी भी अवैध कारोबारी को, चाहे वो अपने व्यवसाय के आड़ में कर रहा हो चाहे किसी आड़ में कर रहा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः। कर्तव्य का निर्वहन करते प्राणों की आहुति देने वाले अमर पुलिस जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। ICICI बैंक में सहायक प्रबंधक ने किया लाखों का घोटाला, लोन धारकों की जमा पूंजी ले दिया फर्जी एनओसी। मुस्कान अभियान में मिले 47 गुमशुदा मोबाइल, पुलिस अधीक्षक ने फरियादों को बुला सौंपा। आज की खबरों में बस इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।